स्वागत है। स्कूलों में बच्चों की मौत की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस बार ये घटना गुरुग्राम के एक नामी स्कूल की है, जहां एक बच्चे की लाश संदिग्ध हालत में स्कूल के टॉयलेट में पाई गई। पुलिस ने स्कूल परिसर में जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं RI24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। स्कूल के टॉयलेट से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक मासूम की उम्र महज 7 साल थी। मृतक के पिता के मुताबिक शुक्रवार सुबह उनका बच्चा सही सलामत स्कूल गया था। कुछ ही देर बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से फोन कर उन्हें बच्चे की तबीयत खराब होने की खबर दी गई। उनके स्कूल पहुंचने से पहले ही उनका मासूम बेटा दम तोड़ चुका था। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे की लाश स्कूल के टॉयलेट में मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि मासूम की गला रेतकर हत्या की गई है। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज केस की जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर 7 साल के मासूम का कौन दुश्मन हो सकता है और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सके पहचान सच्चाई की। मैं दीपा, RI24 न्यूज़।